सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सेफ मोड क्या है, इसका क्या यूज है एंड्रॉयड फ़ोन में, इसे कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप मौर्या। चलिए दोस्तों कुछ सीख लेते हैं। दोस्तों सेफ मोड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई ऐसा एप्लीकेशन आपके फ़ोन में लोड हो जाता है और उसे जब आप रिमूव करना चाहते हैं या अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ना तो रिमूव होता है और ना ही अनइंस्टॉल होता है, तो इस कंडीशन में हम सेफ मोड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यदि आपके पास ओप्पो वीवो सैमसंग कोई भी मॉडल है और उसका सेफ मोड पता करना चाहते हैं तो आप गूगल से पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गूगल खोल लीजिए और गूगल खोलने के बाद यहाँ पे टाइप करिए, मान लीजिए आपको सैमसंग का पता करना है तो सैमसंग J7 का, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि J7 और यहाँ पे आपको टाइप करना है सैमसंग J7 सेफ मोड SAFE सेफ मोड। आप जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको सेफ मोड पे आपको क्लिक करना है, और जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि सैमसंग J7 में आप सेफ मोड को कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में अपने मोबाइल पे आपको प्रैक्टिकल करा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया आपको कैसे इनेबल और डिसेबल करना है। तो दोस्तों हम अपने इस मोबाइल में आपको इनेबल और डिसेबल करने का तरीका बता देते हैं। दोस्तों इनेबल और डिसेबल बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आप जब भी सेफ मोड का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में आप किसी भी एप्लीकेशन को जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए होते हैं उसे आसानी से सेफ मोड में आप रिमूव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइव का मोबाइल है, आप देख सकते हैं, और इसमें हम सेफ मोड को ऑन करके और ऑफ़ करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, और यदि इसे सेफ मोड में यदि मोबाइल को कर देंगे तो ये जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो डिसेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसे हम सेफ मोड में करने के लिए क्या करते हैं, पावर बटन को दबाते हैं, और जैसे दबाएंगे यहाँ पे आपको पावर ऑफ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस पर क्लिक नहीं करना, इसे सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, इसे थोड़ा सा देर तक दबाना है। जैसे दबाएंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिबूट टू सेफ मोड, और इस पर क्या करना है आपको ओके कर देना है, और जैसे ओके करेंगे ये मोबाइल दोबारा से रिस्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा समय लगेगा चालू होने में, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन तुरंत चालू नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेफ मोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेफ मोड आ चुका है, और यहाँ पे यदि कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहेंगे तो ओपन नहीं होगा। ये सारे एप्लीकेशन जो बाहर से हम लोड किए थे थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन है वो एक भी एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा, जैसे व्हाट्सएप, कॉल रिकॉर्डर, ये सारा ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेफ मोड ऑन हो चुका है। अब कोई भी प्रोग्राम, मान लीजिए हमें कॉल रिकॉर्डर को रिमूव करना है तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये रिमूव तो हो गया लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यही तरीका है सेफ मोड का। अब दोस्तों इसे फिर नॉर्मल मोड में यानी पहले जैसा करने के लिए क्या करना है, हमें मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है, यानी रिबूट दोबारा से कर देना है। अब जैसे रीस्टार्ट करेंगे मोबाइल दोबारा से चालू हो जाएगा और फिर नॉर्मल मोड में हो जाएगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और समय देंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि जो मेरा सेफ मोड था वो अब हट चुका है और मेरा जो व्हाट्सएप है अब दोबारा से ओपन होने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेफ मोड था वो हट चुका है। तो दोस्तों यही यूज है सेफ मोड का एंड्रॉयड फ़ोन में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे। और यदि अभी तक मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मोबाइल टेक्निकल गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।